हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। ए मैडम, ये देखो इनके राज। ए गंदी बात, स्माइलू। तो हम निकल चुके हैं फिर से मार्केट के लिए, और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि यहाँ के मार्केट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो बस घूम ही रहे हैं। छुट्टी है फौजी साहब की, तो सोच रहे हैं कि सारा ही मार्केट घूम ले, देख ले कि कहाँ क्या कैसे है। तो जब हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हमें पता ही नहीं चल पाता है, तो जब पता रहेगा तो थोड़े टाइम में भी हम आराम से शॉपिंग कर पाएंगे। स्माइली, गंदी बात होती है बेटा, इसके मजे हो जाते हैं ना, पूरे सीट पर फैल के सो के बैठ के जैसे मर्जी वैसे ये जाती है लड़की। तो कल हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, कपड़ों की शॉपिंग करी थी। आज फाइनली, अभी बताती नहीं हूँ, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। देखो कि क्या क्या लेना है हमें, और इतनी सारी शॉपिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं जाना है, तो बने रहना पड़ेगा आपको हमारे ब्लॉग पे। चलिए दिखाते हैं, जैसा होता है वैसा सब कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है। सब कुछ नहीं पॉसिबल हो पाता है क्योंकि मैं कैप्चर ही नहीं कर पाती हूँ, और मैं पक्की वाली ब्लॉगर हूँ नहीं, तो मुझे शर्म भी आती है हर जगह कैमरा लेके घूमने की, तो वो सब कुछ नहीं कर पाती हूँ। चलिए फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। हमारी एक शॉपिंग तो हो गई, इधर देख सकते हैं हम कैसे लोड करके लेके जा रहे हैं। क्या है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। स्माइली का ड्रीम था, है ना? हाँ। तो आज तो स्माइली बहुत ज्यादा खुश है, और पूरा बड़ा वाला डेयरी मिल्क लड़की अकेले खा गई। ये बाबा को चॉइस दी, वन बाइट खिलाया ना बस स्माइलो। खाओ, तुम्हारे एक भी टीथ बचने नहीं है, एक भी टीथ नहीं बचने। So, हम लोग बहुत हैप्पी हैं, बहुत 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 ज्यादा। ये वाला चौक याद करके रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, याद कर लीजिए, रास्ता ये रोज भूल जाते हैं। हाँ। चौक याद कर रहे हैं। हाँ, रास्ता ही भूल जाते हैं क्योंकि हमें अभी कुछ पता नहीं है, तो हाँ। रास्ता तो भूलेंगे। हाँ। अभी एक और भी चीज लेना है, तो बताएंगे कर पाएंगे शॉपिंग, किसको घर छोड़ना पड़ेगा, देखते हैं। हाँ देखते हैं, रास्ते में अगर दुकान दिख जाएगी तो देख लेंगे, है ना। हाँ, सच मारे थे ना क्या? क्या वो लकड़ी मार के, कौन सी फर्नीचर मार के? हाँ। मार कहीं जालंधर में हो, इधर भी देखते हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं फर्नीचर मार्केट। यार जाम बहुत ज्यादा लग रहा है ना, ट्रैफिक हर जगह, बस अभी ट्रैफिक मिल रहा है, बस को लग के करके गर्मी हो रही है। स्माइली को ऐसे चलाओ। हाँ। भूतनी लग रही हो, भूतनी। आज स्माइली बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो गाइज अभी चलते हैं हम फर्नीचर मार्केट, अगर दिख जाएगा कहीं तो हम फर्नीचर भी हमें लेना है, तो जैसा भी होता है आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। बीच में का क्या हुआ, हम गए दुकान पे लिए, फिर वो सब सूट नहीं कर पाई मैं, मुझे याद ही नहीं रहता है, हमें ब्लॉग सूट करना है। जब गाड़ी में आती तब मुझे याद आता है। ओ आराम से आराम से आराम से। हाँ। स्लो ड्राइव। Yes, just like. आपको थोड़ी देर में। ओह राम से राम से खोजते हैं और सारे मार्केट कहाँ हैं, है ना? खोजते हैं।
सो फाइनली हमें रास्ते में एक फर्नीचर की शॉप दिख गई, तो हमने सोचा कि चलो देख के ट्राई करते हैं, क्या पता यहीं मिल जाए जैसा हम ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली हम खोज रहे हैं फर्नीचर मार्केट, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं फर्नीचर मार्केट तो लगता ही लगता है, तो वहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाती हैं, थोड़ा सस्ते भी मिल जाते हैं। बोलते हैं कि जहाँ फर्नीचर मार्केट होता है पूरा ही दुकान हो तो वहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता है, ये ऐसे शोरूम है तो मुझे मेरे ख्याल से कॉस्टली होते हैं थोड़े से। लेकिन फर्नीचर मार्केट हमें नहीं मिला यहाँ पे अभी तक, तो अब हमें शॉप में से ही लेनी पड़ेगी। तो फौजी साहब ने बोला चलो देखते हैं, देखने में क्या जाता है, अगर पसंद आ जाएगा तो हम यहीं से ले लेंगे। लेकिन जैसा हम ढूंढ रहे वैसा मिल ही नहीं रहा, तो अभी एक दुकान में गए हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, पसंद आता है या नहीं। और इधर स्माइली झूले पे बैठ के ट्राई कर रही है। एक्चुअली हमें लेना बहुत कुछ है, तो अभी चलते हैं हम कुछ खाने, है ना। बहुत हाँ। शॉपिंग हो गई, बहुत घूम लिए। थैंक यू थैंक यू। लॉक करके जाइएगा। रेस्टोरेंट जाके सबकी अलग अलग डिमांड होती है, किसी को कुछ खाना है किसी को कुछ खाना है। तो स्माइली की डिमांड थी कि मुझे बर्गर खाना है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, बस स्माइली के लिए हमने बर्गर मंगाया। मेरी कुछ अलग डिमांड थी, फौजी साहब को कुछ अलग खाना था, तो फिर सब ने अलग अलग डिश मंगा लिए। मैंने कर्न क्रिस्पी मंगा लिया, फौजी साहब ने अफ़गानी चाप, पता नहीं क्या था उन्होंने मंगवा लिया, तो ये आ गया अफ़गानी चाप। एक एक करके आ रहा था, तो मतलब टेस्ट तो सारा ही हम लोग किए, हम दोनों ही मिलके खाए, बट डिमांड दोनों की अलग अलग थी। मुझे कॉर्न क्रिप्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने एक ये मंगाया था, तो दोनों ने मिलके खा लिया हम लोग। स्माइली तो नहीं खाती है, स्माइली तो अपने बर्गर में ही फुल हो गई मैडम, और हम लोग ये खा लिए। चले आ जाओ इधर से, और पानी पीना, चलो अभी गैदर चले गए, गैदर चले गए, चलो आगे। नहीं बेटा आपको सर्दी हो रखी है ना, खांसी आ रही है ना। टमी फुली हो गई ना। हाँ।
सो फाइनली लास्ट में एक शॉप दिख गई हमें फर्नीचर की, और हमें वहाँ पे सोफ़ा पसंद भी आ गया, तो हमने पेमेंट कर दिया उनको, ले लिया, ख़रीद लिया हमने। आज तो फौजी साहब का लाखों का खर्चा करवा दिया हमने। हे गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं घर, और घर आते आते तो लेट तो हो ही जाता है, मतलब रात तो हो ही जानी है। हम मार्केट में ही थे तभी रात हो गई थी, 8 बज गया था, घर आते आते 9 बज गया। आज तो फिर भी हम जल्दी आ गए, कल ज़्यादा टाइम हो गया था, 10 बज गया था कल आने में, आज हम 9 बजे से पहले पहले ही आ गए। और घर आते आते तो थोबड़ा बिल्कुल बन ही जाता है, तो चलिए हम बिल्कुल उधर से खाना खोना सब कुछ खा के आए थे, तो घर पे आके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े मैं मशीन में डाल के गई थी, जब से मशीन आया है इतने कपड़े धुला रहे ना, इतने कपड़े धुला रहे कि पूछो ही मत, आप बस हर तरफ कपड़े कपड़े ही दिखने वाले हैं मेरे घर में, दिखाऊं तो अगर तो कपड़े आके सबसे पहले मैंने कपड़े वपड़े निकाले, उसको इधर उधर फैला दिया, फिर जब सुबह होगी तो धूप में डाल दूँगी। तो आज अभी जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल का देखते हैं कल का क्या प्लान है, कल का भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, उसके बाद देखते हैं। परसों हम लोग निकलेंगे शादी के लिए, तो अभी मैं दरवाज़ा दरवाज़ा बंद कर रही थी, तो सोचा कि आप लोगों को मैं अपडेट दे दूं। तो ये अभी आपको पता है ये दरवाज़ा इतना टाइट है ना, इतना टाइट है कि ये लगता नहीं है, ये वाला आपको पता है पहले हमने सिर्फ ब्लैक पर्दे लेके आए थे, फिर हम मार्केट गए तो ये कलर दिख गया तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा कि ब्लैक और इसका कॉम्बिनेशन कर देते हैं, अच्छा लग रहा है ना, आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। चारों तरफ हमने कर दिए हैं बस पर्दे पर्दे, इस रूम में तो सिर्फ पर्दे पर्दे ही हैं, तो अभी बहुत अच्छे से जब सेट कर लूँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे कैसे क्या क्या सेट किया है। तो चलिए अभी मिलते हैं हम आपसे सुबह में, ठीक है। और ये कॉर्न क्रिप्सी हमें इतना पसंद आ गया था कि हम घर पे भी ले आए इसको, तो इसी के साथ अभी इस ब्लॉग को भी यही एंड कर देते हैं।